से अपनी अपनी बातें प्रस्तुत की हैं, अपने अपने विचार रखे हैं, चर्चा को समृद्ध करने का हर किसी ने अपने तरीके से प्रयास किया है। श्रीमान अधीर रंजन चौधरी जी, प्रोफेसर स्वागत राय जी, डॉक्टर शशि थरूर जी, श्रीमान ओवैसी जी, दानिश अली जी, रामकृपाल यादव जी, पीपी चौधरी जी, पिनाकी मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी, विनायक जी राउत, कई नाम हैं, मैं सबके नाम लूंगा तो समय शायद बहुत जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि हर एक ने अपने अपने तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। लेकिन एक स्वर यह उठा है कि सरकार को इन सारे कामों की इतनी जल्दी क्या है, सब चीजें एक साथ क्यों कर रहे हैं, ऐसा भाव भी लोगों के बातों में आता है। तो मैं शुरुआत में श्रीमान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता को उद्धृत करना चाहूंगा, और वही शायद हमारे संस्कार भी हैं, हमारी सरकार का स्वभाव भी है, और उसी के कारण, उसी प्रेरणा के कारण हम लिख से हट करके तेज गति से आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। श्रीमान सर्वेश्वर दयाल जी ने अपनी एक कविता में लिखा है, लीक पर वो चले, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ ही प्यारे हैं। माननीय अध्यक्ष जी इस अभिभाषण पर अपना विचार रखे हैं, ये वरिष्ठ जनों का गृह है, अनुभवी महापुरुषों का गृह है, चर्चा को समृद्ध करने का हर किसी का प्रयास रहा है। श्रीमान गुलाम नबी जी, श्रीमान आनंद शर्मा जी, भूपेंद्र यादव जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधाकर शेखर जी, रामचंद्र प्रसाद जी, रामगोपाल जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी, संजय राउत जी, स्वप्नदास जी, प्रसन्न आचार्य जी, ए नवनीत जी, ऐसे सभी अनेक अपने माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। जब मैं इस सारे आपके भाषणों की जानकारियां ले रहा था, कई बातें नई नई उभर करके आई हैं। ये सदन इस बात के लिए गर्व कर सकता है कि एक प्रकार से पिछला सदन सत्र हमारा बहुत ही प्रोडक्टिव रहा, और सभी माननीय सदस्यों के सहयोग के कारण ये संभव हुआ, और इसके लिए सदन के सभी माननीय सदस्य अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन ये अनुभवी और वरिष्ठ महानुभावों का सदन है, इसलिए स्वाभाविक देश की भी बहुत अपेक्षाएं थी, ट्रेजरी बेंच पर बैठे हुए लोगों की बहुत अपेक्षाएं थी, और मेरी स्वयं की तो बहुत ही अपेक्षाएं थी कि आपके पास से बहुत अच्छी बातें
देश के काम के लिए मिलेगी, अच्छा मार्गदर्शन मुझ जैसे नए लोगों को मिलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो नए दशक में नए कलेवर की मेरी अपेक्षा थी, उसमें से मुझे निराशा मिली है। ऐसा लग रहा है कि आप जहां ठहर गए हैं वहां से आगे बढ़ने का नाम नहीं लेते, वहीं रुके हुए हैं, और कभी कभी तो लगता है कि पीछे चले जा रहे हैं। अच्छा होता हताशा निराशा का वातावरण बनाए बिना नया उमंग, नए विचार, नई ऊर्जा, इसके साथ आप सबसे देश को दिशा मिलती, सरकार को मार्गदर्शन मिलता। लेकिन शायद ठहराव को ही आपने अपना वर्च्यू बना दिया है, और इसलिए मुझे काका हाथरसी का एक व्यंग काव्य याद आता है। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कहा था, प्रकृति बदलती क्षण क्षण, प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे अणु कण कण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए हो। कविराज कपिल जी बड़े गौर से सुन रहे हैं। तुम निष्क्रिय वातावरण बनाए बिना नया उमंग, नए विचार, नई ऊर्जा, इसके साथ आप सबसे देश को दिशा मिलती, सरकार को मार्गदर्शन मिलता। लेकिन शायद ठहराव को ही आपने अपना वर्च्यू बना दिया है, और इसलिए मुझे काका हाथरसी का एक व्यंग काव्य याद आता है। बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कहा था, प्रकृति बदलती क्षण क्षण, प्रकृति बदलती क्षण क्षण देखो, बदल रहे अणु कण कण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए हो। कविराज कपिल जी बड़े गौर से सुन रहे हैं। तुम निष्क्रिय से पड़े हुए, भाग्यवाद पर अड़े हुए हो, छोड़ो मित्र पुरानी डफली, जीवन में परिवर्तन लाओ, परंपरा से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। माननीय सभापति जी, चर्चा का प्रारंभ करते हुए जब गुलाम नबी जी बात बता रहे थे, कुछ आक्रोश भी था, सरकार को कई बातों से कोसने का प्रयास भी था, लेकिन वो बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन जब उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जो बेमेल थी, अब जैसे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का फैसला सदन में बिना चर्चा को हुआ, देश ने टीवी पर पूरे दिन भर चर्चा देखी है, सुनी है, और सभी तरफ से अपना अपना, ये ठीक है 2 बजे तक कुछ लोग वेल में थे, लेकिन बाहर से जब खबरें आने लगी तो सब समझ गए कि भाई अब जरा वापिस जाना ही अच्छा है। देश ने देखा है, व्यापक चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय किए गए हैं, और सदन ने निर्णय किया है, सम्माननीय सदस्यों ने अपने वोट देकर के निर्णय किया है। लेकिन जब ये बात हम सुनाते हैं तो ये भी याद रखें
और आजाद साहब मैं आपकी याददाश्त को जरा ताजा कराना चाहता हूँ। पुराने कारनामे इतना जल्दी लोग भूलते नहीं हैं। जब तेलंगाना बना तभी सदन का हाल क्या था, दरवाजे बंद कर दिए गए थे, टीवी का टेलीकास्ट बंद कर दिया गया था, चर्चा को तो कोई स्थान ही नहीं बचा था, और जिस हालत में वो पारित किया गया था वो कोई भूत इतिहास है। और उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में एक बात कही थी,